दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आपने टाइटल से पता चल ही गया, देख लिया कि ये वीडियो हम जोधपुर में रुकने के लिए होटल हमें सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जोधपुर रेलवे स्टेशन है, तो वीडियो पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हम ट्रेन से उतरकर या और जिस भी साधन से आ रहे हैं, बस से, फ्लाइट से उतरकर, जैसे ही हम सन सिटी के अंदर, जोधपुर के अंदर एंट्री करते हैं, तो आप देखें ये बाहर निकलने का गेट। इससे हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपको मैं होटल तक ले कर चलूँगा और पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो में बने रहें। ये स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको घोड़े पे बैठे हुए महाराजा मिलेंगे, आपका स्वागत कर रहे हैं। और इससे आप देखेंगे ये सामने से जो रोड चल रही है, मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये आ रही है और ये जा रही है, ये आने की रोड है और ये जाने की रोड है। इस रोड पे हमें इस गली तक, ये देखिए ये बिल्डिंग के कोने पे यहाँ कुछ बोर्ड भी लगा हुआ है, और इस गली तक, ये पतली गली है अंदर, हमें इस गली तक जाना है। जैसे ये घोड़े की ऊपर जो है स्टेचू, और ये हम चल के यहाँ तक, इस गली तक आ गए। ये गली यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ शाही कोलाब, शाही सब कुछ, और पान, ये जगदीश पान वाला, ये है। इस गली में हमें अंदर चलना है और ये वहाँ से गली से चल के हम अंदर आते हैं। तो ये सामने आपको डीलक्स होटल, ए होम अवे फ्रॉम होम, ये नंबर भी है, हमें इसके अंदर एंट्री करना है। तो ये हमारा रूम, कोई बिना नंबर का रूम है, ये नंबर है, एक नंबर रूम है, सॉरी एक नंबर हमारा रूम। और ये आप देख लें हिसाब किताब, टीवी है, कूलर वहाँ पे लगा हुआ है, कर्टन है, शीशा लगा हुआ है, अलमीरा है, एक अच्छा सा बेड है, अटैच बाथरूम है। और ये पूरा हिसाब किताब है वेंटिलेटर के लिए आपको, और लाइट वगैरह, पंखा वगैरह सब यहाँ पर है। ऐसा एक रूम आपको यहाँ पर मिल सकता है, या इससे भी अलग रूम भी मिल सकते हैं। मैं बात कराता हूँ आपकी भैया से। तो आइए होटल के अंदर चलते हैं और अंदर से हम देखते हैं, और यहाँ के जो भैया हैं उनसे भी मिलाते हैं। भैया आपका नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम उमेर है। उमेर है, आप यहाँ के इंचार्ज लगते हैं मेरे को। जी सर, ओनर हैं आप इस यहाँ के, बहुत ही बढ़िया। आपको ओनर से आज मिलने का मौका मिल रहा है। उससे पहले आप ये इसकी शर्तें देख लें, डीलक्स होटल है, ये शर्तें हैं, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। और ये अभी टाइम हो गया, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आप होटल के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जी, हमारे 12 रूम है, 12 रूम का होटल है। जी जी, कौन से बेड है, 4 बेड है, एसी है, नॉन एसी है, एयर कूल रूम है। अच्छा, सब तरह के रूम आपके पास हैं। ओके ओके, और क्या चार्ज होगा यहाँ पे? सिंगल 500 रुपये, नॉन एसी कूलर के अंदर डबल 600 रुपये, और एसी सिंगल 800 रुपये, डबल 900 रुपये है। सब अलग अलग आपके पास है? 4 बेड अलग है, 4 बेड का भी है, 4 बेड कूलर अलग, 4 बेड एसी अलग है, सब ऑप्शन है। जी, आपको जैसे रुकना है वैसे आप यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो बाकी और क्या देते हैं इसके साथ? वाईफाई वगैरह है? वाईफाई है सर। वाईफाई है जी। ओके, और साबुन देते हैं, टॉवल देते हैं। साबुन टॉवल है जी। अच्छा, जो होटल में बेसिक जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब मिल जाती हैं। और ये आप देखें यहाँ का ऊपर जाने का एंट्री, पंखा लगा हुआ है, सब कुछ है यहाँ पर। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात किया। तो दोस्तों आपने ये देखा, होटल बिल्कुल नज़दीक है रेलवे स्टेशन के, इधर से जैसे आते हैं जस्ट बिल्कुल सामने ही है, ये सामने रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से वॉकिंग पे सिर्फ 2 मिनट का, आपको 1 मिनट का टाइम लगता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।